बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ 601। असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन सेक्शन इंचार्ज इरफानुल्ला, इसका सलूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 10 मार्क्स की असाइनमेंट है, लास्ट डेट इसकी 18 है, 18 जनवरी 2024। मेंशन करना भूल गई थी फ़ाइल में, और पीडीएफ की फ़ाइल आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक वेबसाइट का, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और वर्ड फाइल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फ़ाइल आपको पेड अवेलेबल होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट कि अगर कोई भी इसमें मिस्टेक हो आपने सबमिट करने से पहले या कॉपी करने से पहले, आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, प्रोसीजर में कोई भी मिस्टेक नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट कि लास्ट असाइनमेंट जो इसकी फर्स्ट असाइनमेंट आई थी उसमें सेकंड क्वेश्चन में शायद कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक थी, जिसकी वजह से सब स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं जिन्होंने मेरी असाइनमेंट ली या फिर जिन्होंने मेरी असाइनमेंट को फॉलो करके असाइनमेंट बनाई थी, सेकंड क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होने की वजह से कैलकुलेशन की मिस्टेक, इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग एक दफ़ा लाजमी चेकआउट कर लिया करें कैलकुलेशंस को। तो उसमें सबके जो हैं वो 10 out of 6 मार्क्स आए थे, लेकिन इस असाइनमेंट में इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे, तो आप बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि अ मैनेजर नीड टू एफिशिएंटली एलोकेट 4 डिफरेंट जॉब्स टू 4 वर्कर्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल मैन आवर स्पेंट ऑन द टास्क। द टाइम टेकन बाई ईच वर्कर टू कम्प्लीट ईच जॉब्स आर प्रोवाइडेड इन द टेबल बिलो। जो टेबल हमारे पास एक दिया हुआ है जिसमें 4 जॉब्स हैं और 4 वर्कर्स हैं, और उनको डिफरेंट टाइम जो है वो रिक्वायर है एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। बाई यूजिंग द हुगेनियन एल्गोरिदम डिटरमाइन एन ऑप्टिमम असाइनमेंट ऑफ टास्क टू वर्कर इन अ वे दैट मिनिमाइज द टोटल मैन होर। यानी कि हमने इसके ऊपर हंगेरियन एल्गोरिदम को यूज़ करना है असाइनमेंट प्रॉब्लम जो हमारे पास होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, और मिनिमाइज करके मतलब इस तरह से इसको सॉल्व करना है कि इसका जो आंसर हो वो हमारे पास मिनिमम हॉर्स जो है वो हमारे पास निकल के आ जाए। तो सबसे पहले हमने चेक करना होता है कि जो हमारा गिवन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। अगर आपने इसके लेक्चर लिया है तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, अदरवाइज नहीं भी है तो आप इसको समझ लें, ताकि आपको इसमें अगर पेपर में भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो नंबर ऑफ़ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम अगर हमारे पास होंगे, यानी कि 4 जॉब्स हैं और 4 ही वर्कर्स हैं, तो इट्स मीन के ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड है। इसमें 4x4 का जो हमारे पास मैट्रिक दिया हुआ है, और इसको हम कहेंगे कि जो हमारा प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड है। और अनबैलेंस्ड की सिचुएशन में दूसरा मेथड को यूज़ किया जाता है उसको बैलेंस करने के लिए, एक डमी रो या फिर डमी कॉलम जो लगाया जाता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि आपके पास एक रो कम है या फिर एक कॉलम कम है। बैलेंस प्रॉब्लम की ये चेक करने के बाद कि बैलेंस है या नहीं, उसके बाद स्टेप नंबर 1 हमने ये करना होता है कि फाइंड आउट ईच रो मिनिमम, यानी कि हर रो में से जो हमारे पास गिवन टेबल है इस टेबल में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है हर रो में वो चेक करनी है, और उस वैल्यू को सारी वैल्यूज में से माइनस कर देना है। जैसे जो फर्स्ट रो है इसको अगर आप देखें तो इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास है 10, ठीक है। अब हर एलिमेंट में से हमने 10 को माइनस कर दें, यानी कि फर्स्ट में करेंगे 10 माइनस 10 कर देंगे, देन 20 माइनस 10 करेंगे, 18 माइनस 10 करेंगे और 14 माइनस 10 कर देंगे, तो इसका जो है वो हमारे पास एक नया टेबल नई वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह जो सेकंड मैट्रिक है सेकंड रो है उसमें 9 हमारी मिनिमम है, तो 9 को जो है वो हम माइनस कर देंगे सब में से, 15 माइनस 9 हो जाएगा 25 माइनस 9, 9 माइनस 9 एंड 25 माइनस 9। इसी तरह से अगर हम थर्ड रो पर आ जाएँ तो थर्ड रो में हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 12, तो हर वैल्यू में से 12 को माइनस कर देना है। फोर्थ रो में आ जाएं तो फोर्थ रो में हमारी मिनिमम वैल्यू है 10, तो हर एलिमेंट्स में से आपने 10 को माइनस कर देना है। तो उस वो करने के बाद आपके पास ये एक टेबल आ जाएगा, इसको आप देखें, और सारी वैल्यूज़ को इसी तरह से फिर आपने रख देना। इसके बाद आपने ये चेक करना होता है कि आपके पास हर रो में और हर कॉलम में एक ज़ीरो आना चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम को अगर देखें तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जो है वो एक ज़ीरो अवेलेबल है, और फर्स्ट रो को देखें तो ऑब्वियसली अगर फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो में भी इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 0। उसके बाद अगर सेकेंड रो को देखें तो सेकेंड रो में हमारे पास जो है वो ये 0 मौजूद है ये वाला, लेकिन सेकेंड कॉलम को अगर हम देखें तो सेकेंड कॉलम में हमारे पास 0 नहीं है, और थर्ड रो को देखें तो थर्ड रो में हमारे पास ये 0 है, और थर्ड कॉलम को देखें तो थर्ड कॉलम में भी 0 है, फोर्थ रो को देखें तो फोर्थ रो में 0 है, और फोर्थ कॉलम में भी हमारे पास 0 अवेलेबल है। अब एक जो है वो हमारे पास बच्चा है जो सेकंड हमारे पास कॉलम है, इस सेकंड कॉलम में 0 ना होने की वजह से हमें इसका नेक्स्ट स्टेप करना होगा।
नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है कि फाइंड आउट ईच कॉलम मिनिमम एलिमेंट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम दैट कॉलम। अब बाकी सारी तो सेम इसी तरह से रोज आ जाएंगी क्योंकि कॉलम्स आ जाएंगी क्योंकि उन सब में जीरो मिनिमम है तो सब में से जीरो माइनस होगा तो वो सेम आ जाएंगी। जस्ट वो सेकेंड रो है उसमें मिनिमम जो हमारे पास सेकेंड कॉलम्स हो रही है उसमें सेवन मिनिमम है तो सेवन को सब में से माइनस कर देना है और ये वाली रो जो है बी कॉलम जो है आपके पास से चेंज हो जाएगा। इसके बाद अब हमारी जो सिचुएशन है जो कंडीशन है वो यहाँ पे होल्ड कर रही है कि हर रो में और हर कॉलम में एक जीरो हमारे पास हो गया। इसके बाद अब हमने इटरेशन नंबर वन परफॉर्म करनी है। इटरेशन नंबर वन किस तरह से परफॉर्म करनी है, मेक एन असाइनमेंट इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल, यानी कि ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें हमने अब असाइनमेंट्स बनानी है। असाइनमेंट्स किस तरह से बनानी है, असाइनमेंट्स इस तरह से बनानी है कि हमने आइडेंटिफाई करना है उस रो को जिसमें एक जीरो मौजूद हो। मेक एन असाइनमेंट टू दिस सिंगल जीरो बाय मेकिंग अ स्क्वायर अराउंड इट एंड क्रॉस ऑफ ऑल अदर जीरो इन द सेम कॉलम। आपने फर्स्ट रो को देखना है, ठीक है, फर्स्ट रो को आपने देखा, फर्स्ट रो में जो आपके पास मौजूद हैं, फर्स्ट रो में जो जीरो मौजूद है उसको आपने स्केयर कर देना है या उसको बोर्ड कर देना है और उस कॉलम में बाकी अगर कोई जीरो मौजूद है तो उसको आपने कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो को आपने देखना है, सेकंड रो में अगर कोई जीरो मौजूद है तो उसको आपने सर्कल कर लेना है, ठीक है, और जो बाकी उस रो में जीरो कॉलम में जीरो होंगे उसको आपने कैंसिल आउट कर देना है। तो ये करने के फिर आपने जो बी कॉलम है, यानी कि पहले आपने रोज़ को स्कैन कर लेना है फिर कॉलम को स्कैन कर लेना है, अगर रो स्कैन करने के बाद कॉलम्स में कोई और जीरो बच जाता है उसके अलावा तो देन उसको आपने इसी तरह स्केयर बना लेना है, उसके गिरजा स्केयर ब्रैकेट्स बना लेनी है, उसको बोर्ड कर लेना है और बाकी उस रो में जो बाकी जीरो होंगे उनको कैंसिल आउट कर देना है। और अगर एक रो और कॉलम दोनों में एक से ज़्यादा जीरो मौजूद हों जो आपने मार्क अभी तक नहीं किए हैं तो आप उनमें से कोई भी एक जीरो को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और ये प्रोसेस हमने तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक सारी जीरो या तो असाइन हो जाए, मतलब कि उनको हम बोल्ड आउट कर लें, उनकी असाइनमेंट्स बन जाए, या फिर वो कैंसिल आउट हो जाए। उसके बाद अब हमने इसी टेबल के ऊपर, ये जो हमारा लास्ट टेबल बना है, इस टेबल के ऊपर अब हमने रो वाइज एंड कॉलम वाइज असाइनमेंट शो करवा दिए। यहाँ पे देखें जो रोज़ में हमारे पास जीरो थे उनको आपने बोल्ड आउट कर लिया और ये अगर आप देखें लास्ट वाली जो आपके पास लास्ट वाला जो कॉलम है या आप लास्ट जो कॉलम है उसको देखें उसमें आपके पास एक ज़ीरो था उसको आपने लिया। और या थर्ड रो को आप देख लें, थर्ड कॉलम को देख लें, जब आपने थर्ड कॉलम में भी एक ज़ीरो था उसको भी आपने ले लिया, बाकी उसमें रो में कोई और ज़ीरो नहीं था। उसके बाद आपने फोर्थ रो को जब लिया तो फोर्थ रो में एक ज़ीरो था और फोर्थ कॉलम में फिर एक ज़ीरो था, फोर्थ रो में जो ज़ीरो था उसको आपने बोल्ड आउट कर लिया। और मैंने बताया कि जब आप रो को स्कैन कर रहे होंगे तो उस कॉलम में जो बाकी ज़ीरोज होंगे उनको आपने कैंसिल आउट कर देना है, तो एक ही ज़ीरो इसमें एक्स्ट्रा था उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे इस स्टेप के बाद आपने ये चेक आउट करना होता है कि जितनी आपके नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक है वो इक्वल है जितनी आपकी असाइनमेंट्स बनी है उनके। तो नंबर ऑफ जो ऑर्डर है आपके पास मैट्रिक का वो 4x4 का है और कितनी असाइनमेंट्स बन चुकी हैं, यानी कि जितने आपने जीरो बोल्ड किए हैं वो आपकी असाइनमेंट्स हैं। तो ये जीरो चार हमारे पास यहाँ पे हो गए हैं, तो इट्स मीन कि जो हमारा नंबर ऑफ असाइनमेंट्स है वो इक्वल टू है नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ ऑर्डर, तो ये इक्वल है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो हमारा सलूशन है वो ऑप्टिमम सलूशन हमारे पास निकल आया है। ऑप्टिमल असाइनमेंट्स आर यहाँ पे आपने इनको दोबारा से ये टेबल हमने यहाँ पर लिख दिया कि ऑप्टिमल असाइनमेंट्स ये हैं। अब आपने क्या करना है, ऑप्टिमल सलूशन फाइंड करना है। जॉब्स हमारे पास 1, 2, 3, 4 में थी, वर्कर्स ए बी सी डी थे और जो हमारा गिवन टेबल था उसमें टाइम चूंकि दिया हुआ था स्टेटमेंट के मुताबिक तो हमने लिख लिया टाइम एंड आवर्स। तो उसको हमने अब क्या करना है कि जहाँ पे अब जो गिवन टेबल है उसको देखना है ए बी सी डी में उसके इक्वल में या उसके नीचे जो टेबल दिया हुआ है उसमें ए का जो फर्स्ट आपके पास जीरो है जहाँ पे ये फर्स्ट जीरो होगा गिवन टेबल में उसको आपने यहाँ पे टाइम इन और लिख लेना है 10। उसके बाद बी में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा गिवन टेबल है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट जो इसका है ये जो चीज़ है यहाँ पे ज़ीरो था तो यहाँ पे हमारे पास 10 था इसको हमने ले लिया। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास है उसमें थर्ड जो रो है उसमें ज़ीरो बन रहा है तो उसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पे बी 9 था वो हमने ले लिया। फिर सी में सेकंड रो में बन रहा है वो 19 ले लिया और डी में हमारे पास लास्ट में बन रहा है तो वो हमने ले लिया 10। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि टोटल ऑर्स जितने आपके निकले हैं 1x1 इन सबको आपने ऐडअप कर लेना है और मिनिमम टोटल ऑर्स आपके पास क्या आ जाएंगे 48 आ जाएंगे। ये आपके असाइनमेंट का सलूशन है, होप्स उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको हो गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।